Hello everyone, my name is Rashtilak Pal. This is the second video on NumPy tutorial series. So in this video we are going to learn how to create arrays and learn some functions and attributes that we can apply on arrays to get results. We'll start by first importing NumPy. We'll import NumPy as np. आज वीडियो में देखा था हमने कि एक numpy array आप क्रिएट करते हो बाय यूजिंग np.array फंक्शन जिस पे आप एक लिस्ट पास करते हो इट रिटर्न्स यू अ numpy array. यू कैन आल्सो मेक अ टपल और यहां पे अगर टपल पास करते हो तो दैट आल्सो मेक्स एन array. इवन डिक्शनरीज लाइक इफ यू हैव दिस डिक्शनरी वन की में अगर आपका एक लिस्ट हो शायद लेट्स से 1 2 3 4 और सेकंड की में आपका लिस्ट हो लेट्स से अ टपल हो 7 8 9 10 अगर आप यहाँ पे डी पास करें वो भी काम करता है मेक्स एन एरे. सो सिर्फ 1D array पे np.array काम नहीं करता है. यू कैन ऑल्सो पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट एज वेल लाइक 2D लिस्ट उस पर भी काम करता है. सो एक बहुत ही हैंडी फंक्शन होता है हमारे पास जिसका नाम है टाइप फंक्शन. आई विल जस्ट राइट इट इन माय मार्कडाउन. टाइप फंक्शन होता है हमारे पास विच बेसिकली रिटर्न्स यू द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर पासिंग हियर. लाइक अगर आप यहाँ पे ओके लेट मी स्टोर दिस अरे हियर इन ए और अब मैं ए का टाइप देखूँ तो ये बोल रहा है npy numpy.nd array. वैसे अगर मैं यहाँ पे टी पास करता ये मेरा टपल है और डी पास करने से ये बोलेगा ये मेरा डिक्शनरी. एक हैंडी एट्रीब्यूट होता है मेरे पास नेमली द शेप एट्रीब्यूट जिससे क्या होता है कि एक numpy array का आप शेप निकाल सकते हो एज इन वो उसके शेप्स कितने हैं. लाइक अगर ए मैं आपको दिखाऊं तो ये है 2D array. सो ए डॉट शेप में आपको मिलेगा 2.3 और ये टपल रिटर्न करता है. टू देखिए क्या समझ में आ रहा है नंबर ऑफ रोज. थ्री देखिए क्या समझ में आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर होता लाइक 1D अरे रिटर्न करना चाहिए हमें ए डॉट शेप यहाँ पे इसके लिए 4.1 4, वो 1 नहीं रिटर्न करता है टू सिग्निफाई कि ये वेक्टर है सिर्फ 4 रिटर्न कर देते हैं. और ये एक 1 एलिमेंटेड टपल है. अगर आपने टपल्स पढ़े होंगे तो एक एलिमेंट होगा तो हम ये नहीं लिखते हैं टपल में तो ये 5 रिटर्न कर देगा. वी राइट 5, विच एक्चुअली क्रिएट्स अ टपल. एक 3 डायमेंशन का एरे देखे देखते हैं उसका शेप निकाल के देखते हैं. मैं L3 में स्टोर करूँगा हमारा 3D array. इसको मैंने A3 में स्टोर कर लिया. लेट्स सी A3 दिखता कैसा है. ये ऐसा दिखता है ये एक डायमेंशन और ये टोटल मिला के एक डायमेंशन. सो A3.shape हमें ये रिटर्न कर 2.2.3. ये पहला वाला 2 क्या है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट लिस्ट. ये मेरा फर्स्ट लिस्ट इन इसमें 2 लिस्ट है एज इन दिस वन और ये दिस वन. ये 2 है मेरा उसके अंदर का कितना डायमेंशन इस उसके अंदर कितना एलिमेंट्स है लाइक एज इन इस लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट है. ये 3 मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एकदम अंदर वाले डायमेंशन में कितने वैल्यूज हैं एज इन इस लिस्ट में कितने वैल्यूज हैं. सो दिस इज हाउ द शेप
एट्रीब्यूट वर्क्स, अगर बहुत सारे डायमेंशन के एरे हो तो यू कैन इजीली सी द शेप. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैक्स फंक्शन. सो एक लिस्ट में अगर आपको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, सो इफ आई राइट मैक्स ऑफ एल, इसमें से ये मैक्स ऑफ एल फंक्शन मुझे 4 दे रहा है क्योंकि ये दिस इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. ऐसे ही आपके पास अगर एक एरे है, लेट्स सी मेरे पास ए में क्या है, ए में ये है, ए में है 1 2 3 4. आप अगर मैक्स में ए पास करेंगे तो ये हो जाएगा, हमको 4 ही देगा. लेकिन अगर आप ए मैक्स में ए डॉट मैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, इट विल बी द सेम 4. अब ये हुआ क्या, व्हाई डू वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैक्स फंक्शंस और हमें कौन सा लगाना चाहिए. एक्चुअली दिस मैक्स फंक्शन इज द पाइथन फंक्शन जो हमारे नॉर्मल पाइथन से आता है, एंड दिस मैक्स फंक्शन है उस एनडी एरे में, ये उस एनडी एरे क्लास का फंक्शन है. एंड इन अ फ्यूचर वीडियो वी विल कंपेयर लिस्ट्स एंड एरेज और एक्चुअली देखेंगे कि एरेज आर फास्टर एंड दे कॉस्ट लेस मेमोरी टू अस, इसीलिए हम एरेज यूज करते हैं. एंड सिंस दिस फंक्शन इज ऑफ द डेटा टाइप एरे, ये फंक्शन बहुत जल्दी रन करता है देन द नॉर्मल मैक्स फंक्शन, बिकॉज इस फंक्शन में बैकग्राउंड में पीछे सी कोड रन होता है लेकिन इसमें नॉर्मल पाइथन कोड रन होता है. अगर आप अपेरेंटली ये मैक्स फंक्शन यूज करते हो तो पीछे सी कोड रन हो रहा है और आपका स्पीड ज्यादा मिल रहा है, आपको स्पीड ज्यादा मिल रहा है. वॉट इफ देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस, लाइक मैं अगर आपको A3 दिखाऊं तो दिस इज द A3 मैक्स ऑफ A3. सो मैक्स ऑफ A3 हमको ये एरर दिखा रहा है. अगर मैं A3 डॉट मैक्स करूं ये काम कर रहा है. आपके पास जितने भी डायमेंशन के एरे हो वो एकदम अंदर के डायमेंशन में जाके वो ये मैक्सिमम एलिमेंट निकालता है A डॉट मैक्स, वेयर एज ये मैक्स फंक्शन नहीं निकाल पाता है. सो दिस इज वन एडवांटेज. सिमिलरली वी हैव अ मीन फंक्शन, A3 डॉट मीन आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा. ओके, वी हैव वन मोर वेरी हैंडी एट्रीब्यूट नोन एज दी एंडिम एट्रीब्यूट, एज इन द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ एन एरे. सो ए डॉट एंडिम हमको 1 दे रहा है क्योंकि ए है एक 1D एरे, A3 में है एक 3D एरे. So A3 dot endim हमको 3 दे रहा है. सो इन दिस वे यू कैन चेक कि कितने डायमेंशन है हमारे एरे में. सो इट्स लाइक आपके पास अगर एक एरे है np dot array 1, 2, 3, मैं अगर इस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ A2 dot shape मारू, तो इट्स 3,1. ये एक्चुअली इज अ वेक्टर लेकिन ये 2D एरे है. A2 डॉट एंडिम हमको टू दे रहा है. ओके, सो एंडिम इज अ कूल एट्रीब्यूट जिससे एरे का नंबर ऑफ डायमेंशंस पता चलता है. देर इज ऑल्सो अ सम फंक्शन एज इन सम, अगर आप इसमें L पास करते हैं तो ये वो लिस्ट का सम निकाल के देता है हमें. नाउ ऐसे ही सम फंक्शन होता है एनडी एरे में. सो अगर मैं करूँ A डॉट सम तो ये हमें 10 दे रहा है क्योंकि A में जो एरे है इसका सम 10 ही होता है, 1 + 2 + 3 + 4 इस 10. दिस सम फंक्शन विल ऑल्सो वर्क ऑन A, बट अगर सम के अंदर A3 पास करोगे तो हमें कुछ और रिजल्ट देंगे क्योंकि वो एक्चुअली ये इन दोनों एलिमेंट्स का एडिशन देगा.
सो हायर डायमेंशन को ऐड करके देखा, लेकिन ए थ्री डॉट सम मारू तो ये सही देगा, इट सम्स अप ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए थ्री एंड गिव्स मी। वैसी है मीन, ए थ्री डॉट मीन मारोगे तो ये 6.5 देगा। ओके, वी हैव एन एक्सिस पैरामीटर इनसाइड दिस मीन फंक्शन और वी हैव इट इन सम टू, ये एक्सिस करता क्या है? सो लेट्स सी, अगर आपका एक एरे है 2D, लेट्स से np डॉट अरे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये देखिए हमारा एरे। सो इफ यू वांट द मीन अलोंग अ कॉलम यू पास एक्सिस इक्वल टू 0, ये क्या करेगा, हमारे कॉलम्स को ऐड करेगा और हमें एक्चुअली मीन करेगा और हमें ये रिजल्ट पास करेगा। ए टू डॉट मीन एक्सिस इक्वल टू 1 पास करने से ये हर रो का एडिशन रिजल्ट हमें बताएगा, एक्चुअली मीन रिजल्ट बताएगा, आई एम सॉरी। ए टू डॉट सम एक्सिस इक्वल टू 0 करने से हर कॉलम का सम निकाल कर देगा ए टू में, और ये ए टू डॉट सम एक्सिस इक्वल टू 1 करने से हर रो का सम निकाल के देगा, 1 + 2 + 3 = 6, 4 + 5 = 6, को ऐड करेंगे तो 15। सो एक और पैरामीटर, एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास जो बहुत हैंडी होता है, विच इज नोन एज द डी टाइप। ये डी टाइप क्या करता है, हमें बोलता है कि डेटा टाइप क्या है। लाइक ए थ्री ये है, अगर हमें जानना है कि इस इस एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, सो और एवरी डेटा टाइप, डेटा एलिमेंट हैज़ टू बी होमोजीनियस, विच मीन्स के अगर ये इंटीजर है तो हर कोई इंटीजर होना चाहिए, दिस इज द एरे ऑफ रूल ऑफ एरे। सो ये क्या करता है, डेटा इस एरे का जो एलिमेंट्स है एकदम अंदर का डायमेंशन का एलिमेंट्स, उसका डेटा टाइप निकाल कर देता है। सो यह है इन 32। अगर आप np डॉट array फंक्शन में देखोगे तो यहाँ पर भी ये डी टाइप पैरामीटर है, वेट यू कैन मैंशन एक कौन से टाइप डी टाइप में आपको एरे चाहिए। लाइक इफ आई पास दिस इंटीजर एरे और डी टाइप में मैं अगर लिख दूँ फ्लोट 64 और मैं इसको A4 में स्टोर कर लेता हूँ, A4 को अगर आप देखोगे तो दीज इंटीजर्स गॉट कन्वर्टेड टू दी फ्लोट वैल्यूज, और एंड यू कैन मेक श्योर दैट बाई पासिंग बाई राइटिंग A4.dtype, दिस इज फ्लोट 64। ओके, सो np डॉट एरे में ये पैरामीटर होता है डी टाइप, जो जिसमें आप अगर टाइप पास करोगे तो उस टाइप के एलिमेंट्स बन जाएंगे आपके एरे में। हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है साइज, इस एट्रीब्यूट में क्या होता है कि इफ यू राइट दिस एट्रीब्यूट वो आपको साइज निकाल कर देता है, एज इन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दैट एरे। एक A4 में 4 एलिमेंट है, अगर आप देखो तो इंडीड देयर आर फोर एलिमेंट्स। A3.size अगर आप मानोगे तो इसमें 12 एलिमेंट है, क्योंकि A3 वॉज दैट 3-dimensional array। ओके, और एक एट्रीब्यूट होता है आइटम साइज, जो क्या करता है हर आइटम का साइज निकाल के देता है, एज इन हर आइटम कितना मेमोरी खा रहा है। लाइक A3 ये हमारा ये एरे था, सो A3.itemSize निकाल के देगा कि 4 byte खा रहा है। A4 ये हमारा एक फ्लोट एरे था, सो A4.itemSize करूं मैं तो ये 8 दे रहा है, एज इन 8 byte खा रहा है ईच इंडिविजुअल एलिमेंट, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यूज है। अब हम देखेंगे द मीडियन फंक्शन, तो जैसे हमने मीन और मैक्स सम जैसे फंक्शन लगाया, तो वी कैन
ऑल्सो से कि ए डॉट मीडियन भी होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं क्योंकि एनडी एरे में आपको कोई मीडियन बोल के कोई फंक्शन नहीं होता है या एट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर आप देखोगे, आप डी आई आर करोगे एक डेटा टाइप के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें लगने वाले हर फंक्शन आपको दिख जाएंगे। लाइक अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये यहाँ से शुरू होता है, ये अंडरस्कोर वाले पार्ट आप रहने दीजिए अभी, ये आपके फंक्शन जो लग सकते हैं इस एरे ए फोर में, दीज आर द फंक्शन दैट यू कैन यूज विथ ए फोर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है मैक्स, आइटम साइज हमने यूज़ किया है, मीन यूज़ किया है, मिन यूज़ किया है, एन बाइट्स नहीं यूज़ किया, आप देख लेना, यू कैन एक्सप्लोर, एन डी में यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई मीडियन फंक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन आप एकदम ऊपर के मॉड्यूल में देखे, लाइक एन पी मॉड्यूल में देखे, अगर मैं नीचे जाऊंगा, सो देयर वी हैव मीडियन, ये मीडियन फंक्शन एन पी मॉड्यूल में दिया हुआ है, यहाँ पे मीन भी है, सो वी कैन यूज दिस मीडियन फंक्शन टू फाइंड द मीडियन। सो मैंने इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ, दोनों सेल को। सो हाउ विल यू यूज एन पी डॉट मीडियन में आप ए फोर पास करोगे, इट विल रिटर्न द मीडियन ऑफ द एरे। ए थ्री हमारा था, ये थ्री डायमेंशनल एरे, एन पी डॉट मीडियन ए फोर, ए थ्री ये हमारा एरे का मीडियन दे रहा है। अगर ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि एक फंक्शन आपको याद है, आप ये लिख रहे हो ए टू डॉट वो फंक्शन, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यू कैन ऑलवेज राइट एन पी डॉट वो फंक्शन, उसके अंदर आप ये पास करें, इट माइट वर्क। हमने एन पी मॉड्यूल के अंदर मीन फंक्शन भी देखा, सो वी कैन ऑल्सो राइट एन पी डॉट मीन, उसके अंदर हम ए थ्री या ए फोर कोई भी एरे पास करें तो हमें मीन निकल जाएगा। सो गाइज आज इतना ही, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट इनिशियलाइजिंग इन एरेज, और कितने कितने तरीके हैं इनिशियलाइज करने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।